हेलो स्टूडेंट, मैं शालिनी। सृजन में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डाइट क्या होती है, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे कि डाइट किस कितने प्रकार की होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ डाइट। जी हाँ, यानी कि किस मर्ज के रोगी को किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं हम डाइट क्या होती है और डाइट थेरेपी क्या होती है। हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ डाइट यानी कि डाइट कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट नंबर होता है नॉर्मल डाइट। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि नॉर्मल डाइट जो होती है वो होती क्या है। नॉर्मल डाइट जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड यानी कि दोनों तरह की होती है। उसमें बहुत ही कम तेल या मिर्च मसाले होते हैं, ठीक है, और उसमें सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल डाइट जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि सॉलिड और लिक्विड यानी कि दोनों टाइप में होती है या दोनों टाइप का मिक्स होता है, ठीक है। तो नॉर्मल डाइट जो होती है वो हम ऐसे रोगी को देते हैं जो खाना चबा सकता है यानी कि खाने को मुंह के द्वारा ले सकता है। जैसे कि आप नॉर्मल बुखार का रोगी देखा होगा वो खाना मुंह के द्वारा ले सकता है, या और भी बहुत से छोटे मोटे रोग होते हैं जिनमें रोगी जो होता है अपने मुंह से खाना ले सकते हैं, तो उसको हम नॉर्मल डाइट देते हैं। नॉर्मल डाइट में हम आपको बता चुके कि मिर्च और मसाले बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और सारे पोषक तत्व नॉर्मल डाइट में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेमी सॉलिड डाइट यानी कि कोमल और अर्ध ठोस यानी कि टोटली ठोस नहीं और टोटली लिक्विड नहीं, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि जो सॉफ्ट और सेमी सॉलिड डाइट होती है उसमें क्या होता है कि ये भोजन को चबा के नहीं ले जा सकती, ये निगल के ली जा सकती है। इसको हम यानी कि इसको हम बिना चबाए ले सकते हैं। ये जो डाइट होती है इसमें बहुत ही कम तेल में और मिर्च मसाले होते हैं, ये एकदम ना की मात्रा में होती है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए रखते हैं जो कि हमारे लिए नुकसान ना हो। और इसमें जो होता है इसमें फाइबर्स बिल्कुल नहीं होते, तभी हम इसको चबा के नहीं, हमने पहले बताया कि इसको हम निगल के ले सकते हैं, तो इसमें फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इसमें जो इसमें होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं जिसको हम निकल के ले जा सके, और इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये डाइट हम उनको देते हैं जिनको पाचन से संबंधित कोई रोग होता है। ये डाइट हम किसको देते हैं, सॉफ्ट एंड सॉमी सेलेड डाइट हम उनको देते हैं जिनको पाचन से संबंधित कोई रोग होते हैं, ठीक है। इस डाइट में किस तरीके का खाना आता है तो हम बता दें कि इस डाइट का हम जैसे कि दलिया, दाल, ठीक है, दही, कस्टर्ड, अंडा, इस तरीके की डाइट हम इसमें इस तरीके के भोजन हम इस डाइट में दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रियल फ्रूट डाइट यानी कि पूर्णतया तरल पदार्थ, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि क्लियर फ्रूट डाइट होती क्या है। इस आहार यानी कि इस डाइट में पोषक तत्वों को एक नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है, ठीक है। हमने बताया आपको कि इस डाइट में सारे पोषक तत्वों को एक नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि ये डाइट हम दो तरीकों से ले सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म में जैसे कि हम ले सकते हैं वो होता है मुंह के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट होता है माउथ के द्वारा, तो ये हम उस कंडीशन में लेते हैं जिसमें रोगी को बहुत तेजी बुखार हो, उसका ऑपरेशन हुआ हो या उसको गैस का प्रॉब्लम हो। ये डाइट हम मुंह के द्वारा तब लेते हैं यानी कि क्लियर फूड डाइट हम तब लेते हैं जब माउथ के द्वारा हम तब लेते हैं जब रोगी को कोई बहुत तेजी बुखार हो और वो चबा भी ना पा रहा हो या निगल भी ना पा रहा हो, तब हम क्लियर फ्रूट डाइट लेते हैं यानी कि हम तरल पदार्थ ले रहे हैं बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और नेक्स्ट जो दूसरा है वो है आर्टिफिशियल मेथड, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। जी हाँ, दूसरा जो है
वो हम ट्यूब के द्वारा लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो पहला इसका पहला मेथड है वो हम मुंह के द्वारा लेते हैं, दूसरा हम ट्यूब के द्वारा लेते हैं। और ये हम किस स्थिति में लेते हैं वो हम आपको बता दें, ये हम तब लेते हैं जब रोगी बहुत ही लंबी बेहोशी में हो या कोमा में हो या जल गया हो, ये हम तब लेते हैं। और एक हम बात बता दें कि जो आर्टिफिशियल डाइट है वो हम सिर्फ ट्यूब के द्वारा नहीं लेते हैं, वो हम इंजेक्शंस के द्वारा भी लेते हैं। जैसे कि हम बता दें डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होने पर, बेहोशी होने पर, यूरोमिया होने पर और लंबी बेहोशी यानी कि माइंड में चोट लगने के कारण, चोट लगने पर भी हम ये इंजेक्शन यानी कि इसको बोलते हैं इंट्रावेनस फ्लूड, यानी कि हम ये अंतःस्रीय यानी कि इंजेक्शंस के द्वारा भी हम अपने डाइट को लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। अब आपको पता है कि लिक्विड डाइट किस तरीके से होती है, वो दवाई की मेडिसिन के फॉर्म में भी हो सकती है, जूस टाइप में भी हो सकती है, तो इस तरीके से लिक्विड डाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे वो है हमारा तरल आहार यानी कि लिक्विड डाइट, हमारा लास्ट था फ्लूड डाइट, अब हमारा लिक्विड डाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि लिक्विड डाइट कैसे होती है, अभी मैंने बताया कि फ्लूड डाइट और नेक्स्ट है लिक्विड डाइट। तो अब हम आपको बता दें कि जो फ्लूड डाइट होती है उसको हम छान के ले सकते हैं, पर जो लिक्विड डाइट होती है इसमें फ्लूड डाइट के अकॉर्डिंग यानी कि ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। फ्लूड डाइट को हम छान के या बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर में उसको पका के लेते हैं तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक से अधिक नष्ट हो जाते हैं, जबकि हमारे लिक्विड डाइट में ऐसा नहीं होता है। हमारे लिक्विड डाइट में क्या होता है, हम पदार्थ को छानते नहीं हैं, तो बहुत से ज़्यादा पोषक तत्व मिले होते हैं। ये जो लिक्विड डाइट है ये उन लोगों को दी जाती है जो चबाने में असमर्थ है, यानी कि चबा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, तो उन्हें ये पेय के रूप में जैसे कि सूप टाइप में दी जाती है, ठीक है। इस टाइप में हम आपको बता दें कि बहुत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये इसकी मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है, ये पचने में बहुत ही सरल होती है और साथ ही साथ ये आसानी से हम इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि इस डाइट में किस तरीके के फूड आते हैं, तो जैसे कि सूप, हाँ किसी वेजिटेबल सूप, हाँ दलिया और साबुदाने की खिचड़ी, सब्जियों का सूप, ये दाल या दाल का पानी इस टाइप से, या पतलीदार इस टाइप में इस तरीके के आहार आते हैं। अब आप जाते हैं लास्ट, जी हाँ, अब डाइट के टाइप में लास्ट है हमारा यानी कि ब्लैंड डाइट। हमारा जो ब्लैंड डाइट होता है ये नॉर्मल डाइट की ही तरह होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ कार्बोज और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। घी या तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है और मिर्च मसाले बहुत ही कम या टेस्ट के लिए होते हैं। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते, या होते हैं तो नॉन इरिटेटिंग होते हैं, ठीक है, जो हमारे डिस्टर्ब ना हो नॉन इरिटेटिंग फाइबर्स होते हैं। ये डाइट जो है वो अल्सर या पाचन तंत्र से पीड़ित रोगी को दी जाती है या किसी लंबी बीमारी से, हाँ जैसे कि किसी का ऑपरेशन हुआ है इसी तरीके से, या किसी लंबी बीमारी से आ रहे व्यक्ति को उसके सेंसिटिव स्थिति में दी जाती है, ठीक है। अब आपको हम बता दें कि डाइट किस तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो हम आपको बता चुके हैं टाइप्स ऑफ डाइट। फर्स्ट होता है नॉर्मल डाइट, सेकेंड है सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड डाइट, थ्री हमारा क्लियर फ्रूट डाइट, फोर्थ है हमारा लिक्विड डाइट और हमारा लास्ट है ब्लेंड डाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को किस तरीके की डाइट और कैसे आहार लेनी चाहिए। आई होप आपको हमारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।